हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मन को लेकेड मी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। जीके और जीएस की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सिटी हैज़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट एंड बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरी एट द वीर माता जीजाबाई भोंसले उद्यान एंड जू। तो कौन सा जो सिटी है उन्होंने जो मतलब पूरा कंट्री का फर्स्ट और बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरी यहाँ पर अभी रिसेंटली में इनॉग्रेट किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एवियरी जो है वो क्या होता है। मतलब एक तो हमने केज देखे होते हैं जिसमें हम नॉर्मली बर्ड्स को रखते हैं, जिसमें बर्ड्स के लिए बहुत ही छोटा स्पेस होता है। एक तरीके से जब कुछ लोग अपने घरों में पक्षियों को पालते हैं तो उस तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि वो तो एक केज है। और जो एवियरी होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसको मतलब जिसमें जो बर्ड्स होते हैं उनके पास इनफ स्पेस होता है जिसमें वो आराम से घूम फिर सकते हैं, और थोड़ा सा उसमें जो है श्रब्स और ट्रीज़ वगैरह मतलब थोड़े छोटे मोटे पेड़ टाइप के होते हैं जिससे कि उनको थोड़ा नेचुरल हैबिटेट फील हो सके। इस तरीके का जब बर्ड्स के लिए अरेंजमेंट किया जाता है तो उसको हम एवियरी कहते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर ये क्वेश्चन में यही पूछना चाह रहा है कि कौन सा जो सिटी है उन्होंने अभी रिसेंटली में इनाग्रेट किया है कंट्री का फर्स्ट और बिगेस्ट एवियरी। तो ये जो है ये इनाग्रेट किया है मुंबई ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो जो मेडिटेशन का जो सेंटर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, वो रिसेंटली किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इसरो विल सेंड विच लेडी रोबोट इन अनमैन्ड गगनयान। तो इसरो का जो देखिए गगनयान प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही इसरो का मतलब इसरो का महत्वपूर्ण एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और आपने देखा भी होगा कि मतलब एक तो होता है ना कि ऐसे कहते हैं कि इसरो विल सेंड मैन टू द स्पेस। तो इसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में जब भी आपने अगर कहीं न्यूज़ में पढ़ा होगा तो इसमें लिखा हुआ आया था कि इसरो विल सेंड ह्यूमंस टू द स्पेस। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों जो हैं उन दोनों को यहाँ पर भेजा जाएगा। तो इसमें कौन सी लेडी रोबोट है इन अनमैन्ड गगनयान, मतलब कि पहले जो ट्रायल्स वगैरह के उस अकॉर्डिंग ही किसको भेजेंगे? तो ये है व्योम मित्रा। व्योम मित्रा को जो लेडी रोबोट है उसको गगनयान मिशन में सबसे पहले इसरो भेजने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, द असम राइफल्स हैज कंस्ट्रक्टेड अ कंबाइंड वॉर मेमोरियल इन विच स्टेट रिसेंटली। तो जो असम राइफल्स हैं, जो हमारा फोर्स है, उन्होंने अभी रिसेंटली में एक कंबाइंड वॉर मेमोरियल कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है, कौन से स्टेट में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नागालैंड में। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रैंक बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है हमारा, उसने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक दिया था, तो उस रैंक में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने इस रैंक को टॉप किया है? तो ये है चंदौली डिस्ट्रिक्ट, जिसने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि नीति आयोग के द्वारा दिए गए थे उसको टॉप किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हाट नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया वर डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट्स। तो जो वेटलैंड्स इंडिया में डिक्लेयर किए गए थे मतलब एज रामसर साइट्स, तो वो कितने नंबर थे जिनको एज ए रामसर साइट वेटलैंड्स को इंडिया में डिक्लेयर किया गया था? तो ये नंबर थे 10। और ये कौन कौन से नंबर थे ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लगेगा मुझे तो मैं आने वाले किसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है, रिलेंटलेस इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन। तो जो ऑटोबायोग्राफीज हैं, बुक्स हैं, नोवेल्स हैं, इस तरीके का जो भी है वो आपको थोड़ा अच्छे से करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो रिलेंटलेस है वो कौन से पॉलिटिशियन की ऑटोबायोग्राफी है? तो ये जो है पॉलिटिशियन, ये है यशवंत सिन्हा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है रिलेंटलेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, बॉम्बे शेविंग कंपनी हैज़ अपॉइंटेड विच बॉलीवुड एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो जो बॉम्बे शेविंग कंपनी है उसने किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रिसेंटली में? तो ये हैं कार्तिक आर्यन, जो कि बॉम्बे शेविंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में ये मेंशन किया था कि मैंने ब्रांड एम्बेसडर पे वीडियो बनाया है, आप उसको जाके ज़रूर से ज़रूर देखिए। वो उसमें साथ में मैंने ट्रिक्स भी आपको बताए हैं, तो वो आपके लिए वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द कंट्रीज फर्स्ट सुपर फैब लैब वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट. तो जो कंट्री, हमारा जो कंट्री है उसका फर्स्ट सुपर फैब लैब किस कंट्री, किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया है? तो ये स्टेट है केरला. केरला में कंट्री का फर्स्ट सुपर फैब लैब इनोग्रेट किया गया है. नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वो है, विच हैज़ डेवलप्ड द भुवन पंचायत 3.0 फॉर बेटर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. तो कौन है जिन्होंने मतलब भुवन पंचायत 3.0 अभी रिसेंटली में डेवलप की है, बनाई है, क्यों बनाई है? जिससे कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या कुछ इनके प्लानिंग्स वगैरह होती हैं, तो उनकी बेटर प्लानिंग और मॉनिटरिंग की जा सके, ये देखा जा सके कि मतलब जो प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए ये पंचायत बनाई है रिसेंटली में इसरो ने. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड द सेंटर टू इंट्रोड्यूस विच स्पीसीज ऑफ चीता टू सुटेबल हैबिटेट इन इंडिया. तो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अभी रिसेंटली में कौन से स्पीसीज, मतलब चीता की कौन सी स्पीसीज को अलाउ किया है कि वो, हाँ मतलब जो इंडिया का सुटेबल हैबिटेट है वो उनको सुटेबल होगा, वो यहाँ पर रह सकते हैं. तो ये है अफ्रीकन चीता. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज़ बीन इंक्रीज टू व्हाट वीक्स अंडर द अप्रूव्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020. अभी देखिए जो ये बिल है इसमें रिसेंटली में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो बिल है इसमें रिसेंटली में अमेंडमेंट किया गया है 2020 में. तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें अमेंडमेंट क्या किया गया है कि अब जो टर्मिनेशन है, मतलब जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा के अब 24 वीक्स कर दिया गया है. यानी 24 वीक्स की प्रेगनेंसी अगर है तो इस बिल के अंडर आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं. ये इसमें चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट किया गया है. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हु विल बी रिसीव द प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स. तो किसको जो फ्रांस का प्रेस्टिजियस ऑर्डर है नाइट ऑफ द ऑर्डर फॉर आर्ट्स एंड लेटर्स ये दिया जाएगा, ये किसे, कौन ये रिसीव करेगा? तो ये हैं संजना कपूर, जो कि फ्रांस का प्रेस्टिजियस ऑर्डर, ऑनर जो हैं वो रिसीव करेंगी. नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2022. तो देखिए न्यू दिल्ली में जो है वर्ल्ड बुक फेयर, यहाँ पे देखिए आपके लिए एक फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बुक फेयर जो 2022 में होने वाला है वो कहाँ पे होगा. तो ये न्यू दिल्ली में होगा और यहाँ पे कौन सा जो कंट्री है वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेगा, तो ये रहेगा फ्रांस. न्यू दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर 2022 होने वाला है वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेगा फ्रांस. और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और ये क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड ऑफ 2019. मतलब किसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 वर्ड जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने चूज़ किया है. तो ये है संविधान, संविधान वर्ड को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चूज़ किया गया है. तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. और देखिए अभी के लिए मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ, घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने हैंड्स बार बार आपको वॉश करते रहना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और बाकी देखिए आप घर पे रह के तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे से जो आप कर सकते हैं वो है आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कीजिए. मैं ज़्यादा से ज़्यादा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे फेस्टिवल्स वाले और इस तरीके से अलग से वीडियो प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने फेस्टिवल्स वाला भी बना, मैं प्रिपेयर कर लूँगी, तो मैं फेस्टिवल्स वाला भी आपको अलग से प्रोवाइड कर दूँगी. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए, पढ़ने में ध्यान दीजिए. बाकी टेलीग्राम पे भी मैंने आपको पीडीएफ्स वगैरह कुछ प्रोवाइड किए थे, अगर आपको और नीड है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, जैसा भी जो भी आप कहेंगे वैसा मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी सेफ एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.